नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी की न्यूज चैनल सच का साथ। सुबह की खबर औरैया से आ रही है। बिदोना के दुर्गा मंदिर चौराहे पर जहां पर भाजपाइयों ने गाजे और बाजे के साथ ही राम मंदिर की पूजा अर्चना को लेकर जिला प्रशासन और आपको पता चले आतिशबाजी पूरी तरह से जताई गई। देखिए मैं बिदुना के दुर्गा मंदिर चौराहे पर भाजपाइयों ने गाजे बाजे के बीच राम मंदिर के धूम पूजन को लेकर जमकर आतिशबाजी चलाई। इस दौरान भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एसडीएम राशिद अली खान, सीओ मुकेश प्रताप सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला मौजूद रहे। जो मंदिर का मामला आया है सामने, पूजन हो रहा है अपने बिदुना में दुर्गा मंदिर, यहाँ भी दीपक जल रहे हैं, क्या कारण है? हम लोगों ने क्या कारण क्या आज भगवान राम हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे भगवान राम जी का मंदिर बने, क्योंकि हमारे राम लला जी बहुत दिनों तक तंबू में विराजमान रहे, जो हम हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात थी। हम लोग सभी लगे थे, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया आज उसी के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर का पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हुआ। पूरे देश में आपने देखा, आज पूरे देश में ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग है। आपने यहाँ सुंदरकांड कहा है, क्या कारण था, किस लिए आपने सुंदरकांड और ये आरती दीपक जलवाए गए हैं, क्या बताएं आप? जय बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। देखिए आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। जीवन में विवाह सब कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन आज परमात्मा राम हमारे अयोध्या में साक्षात रूप में जिनका शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आज उस उपलक्ष्य में हम सब भारतवासी, विश्व के सभी प्रजाजन इतने प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता हम सब मिलकर के मना रहे हैं, जिसमें सुंदरकांड का पाठ संगीत में और हनुमान चालीसा और हमारे दुर्गा मंदिर पर बिदुना में 151 दीपक जो दुर्गा मंदिर के पुजारी जी हैं महंत जी श्री ओम प्रकाश जी त्रिपाठी द्वारा ये व्यवस्था की गई और सभी भक्तों ने मिलकर के यहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। आज हम सब बहुत लोग खुशी है और सबको खुश रहना चाहिए। भगवान राम। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।